देखिए अभी अपना हिंदुस्तान आप लोग देख रहे हैं, ये बहन बेटियों की बात अपना हिंदुस्तान करेगा, जहां गलत होगा ये वो चीज आप लोगों को दिखलाएगा। और इन्हीं के चैनल के माध्यम से मुझे भी जानकारी हुई, तभी यहां के स्थानीय लोगों से मैंने मामला को जाना और एक घंटे के अंदर यहां पे मैं बीच में भी आने वाले हैं मनीष कश्यप। तो बिल्कुल मनीष कश्यप बनिए और निष्पक्ष पत्रकारिता इसी प्रकार से कीजिए। चितरपुर के सैंडी स्थित राज वल्लभ हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ मारपीट और छेड़खानी मामला तुल पकड़ लिया है और एक और इस घटना का चारों ओर निंदा हो रहा है। तो इस मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष अमर बाबरी भी सामने आए हैं। इसके अलावा गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो सड़क पर उतरेंगे। देख पूरी खबर। रामगढ़ की आज एक घटना जो अखबारों की सुर्खियों में और जो सोशल मीडिया में और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जो सुर्खियां बटोरी है वो बहुत चिंताजनक है। छोटे छोटे बच्चों के मन में इस तरह का तालिबानी सोच डालना और इस तरह की बातें करना और ऐसा प्रताड़ित करना कि धर्म विशेष का आप यदि नारा नहीं लगाएंगे तो उनके बच्चियों के साथ छेड़खानी और फिर उनके ऊपर हमला करके पिटाई संगठित रूप से सभी लोगों के साथ मिलकर, ये तालिबानी सोच को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इसमें समाज के सभी लोगों को जो झारखंडी लोग हैं उनको आगे बढ़ करके आगे आना चाहिए और मुझे लगता है कि प्रशासन को इमीडिएट इस पर एक्शन लेना चाहिए। जिससे छोटे बच्चों का बयान आ रहा है वो लगता है कि वो इतना डर गए हैं कि पढ़ाई छोड़ करके अब वो घर या कहीं छिप जाएंगे, कहीं पढ़ाई छोड़ देंगे, तो ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। इस सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और वैसे अराजक उपद्रवी चाहे जो भी लोग हैं उस पर तुरंत इमीडिएट कार्रवाई करते हुए लोगों को भरोसा देना चाहिए कि वह कानून के संरक्षण में है और उनका हक अधिकार सुरक्षित है। कल छुट्टी के बाद बच्चों के साथ जो पथराव हुआ, असामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा जो बच्चों के ऊपर पथराव किया गया वो बहुत ही निंदनीय है, जिसका आज गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि दोषियों के ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर हिंदू प्रचारक अमन कुमार जी हैं, इनसे जानेंगे कि इस संबंध में इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे ऐसे। देखिए अभी अपना हिंदुस्तान आप लोग देख रहे हैं, ये बहन बेटियों की बात अपना हिंदुस्तान करेगा, जहां गलत होगा ये वो चीज आप लोगों को दिखलाएगा। और इन्हीं के चैनल के माध्यम से मुझे भी जानकारी हुई, तभी यहां के स्थानीय लोगों से मैंने मामला को जाना और एक घंटे के अंदर यहां पे मैं पहुंच गया। और यहां पहुंचने के बाद जब मामला पता चलता है, मामला बिल्कुल सही है, हमारी बहन बेटियों पर यहां पर गलत कमेंट किया गया है। 10 से 15 बहन बेटियों ने हाथ खड़ा करके बोला कि हमारे साथ गलत किया गया, गलत कमेंट पास किया गया। साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी थे, जितने भी बच्चे थे, जितने भी लड़के थे, उन्होंने सारे हाथ उठा कहा कि हमारी बहन बेटियों को छेड़ा गया। बहन बेटियों ने मुझे हम लोग से मदद मांगी और मैं भाई हूँ बहनों का, इसलिए मदद के लिए हमने आगे आया। और ये खबर जब चलती है तो प्रिंसिपल के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा इनको प्रेशराइज किया जा रहा है, इनको डराया जा रहा है कि अगर तुम ऐसा खबर दोबारा चलाओगे तुम पे कार्रवाई कर देंगे, तुम पे केस कर देंगे, तुम पे ई कर देंगे, तुम पे ऊ कर देंगे। भाई याद रखिए, कैयक पे एनएसए लगा है, आपके जैसे ही पत्रकार थे एनएसए लगा है और हो सकता है 5-7 दिन के बाद आप लोग के बीच में भी आने वाले हैं मनीष कश्यप। तो बिल्कुल मनीष कश्यप बनिए और निष्पक्ष पत्रकारिता इसी प्रकार से कीजिए जिस प्रकार से मनीष कश्यप के लिए ग्राउंड लेवल पर लोग सब खड़े थे, आपके लिए भी छाती ठोक के बोलते हैं ग्राउंड लेवल पे खड़े रहेंगे। और कोई FIR आप पे नहीं होगा, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, पूरा झारखंड ही नहीं पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। जी हाँ, बहन बेटियों को यहाँ बोला जाता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मैं बता देता हूँ, कोई बेटी नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई बेटी को नहीं बचाया जाएगा, ये सिर्फ यहाँ राजनीति की जाएगी, वोट की राजनीति की जाएगी। विशेष समुदाय के लोगों का नाम आ रहा है इसीलिए उसे स्कूल से रेस्टिकेट भी नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ वैसे बच्चों की गिरफ्तारी भी नहीं होगी, वैसे परिजनों की जिसने ये कुकृत किया है उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। आप लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। ये चाहते हैं कि कुछ दिन, 2-3, 4 दिन हिंदुओं को ही डांटेंगे, सनातनियों को ही धौसाएंगे और ये शांत हो जाएंगे। फिर तुम्हें पता ही है कि सनातनी जो है वो कुंभकर्ण की नींद में हिंदू सोता है, कि फिर से हिंदू कुंभकर्ण की नींद में सो जाएगा, सब मामला शांत हो जाएगा, फिर सब जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। भाई
समझ रहे बात को ना, इसीलिए इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइएगा और बोलिएगा जो जहां से है ऐसे भाइयों का समर्थन करें और जोरदार आवाज उठाए, बोले जब मैं हजारीबाग चल करके यहाँ आ सकता हूँ तो आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ का स्थानीय प्रशासन को बोलिए जो हमारी बहन बेटियों पर इस तरह का गलत काम किया है उसकी गिरफ्तारी अविलंब कीजिए, 110% कीजिए, नहीं बख्शा जाएगा। आपने सुना कि किस तरह से बोल्ड अंदाज में अमन कुमार जी ने जो बतलाया वो सच है, वो हकीकत बात है कि अभी अगर हमारा समाज नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा, क्योंकि समाज जो है बेटियों पे गंदा नज़र जो लोग देते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं प्रशासन से भी यही मांग करता हूँ कि वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई जरूर करें। आपको मैं बता दूँ कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, दो दिन बीत गए लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी आवेदन थाना में नहीं दिया है। उनका दायित्व ये बनता है कि वो अपने स्कूल के बच्चे बच्चियों को ध्यान दे, विशेष कर जो वहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन पे क्या होता है वो ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने की सख्त जरूरत है ताकि जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित स्कूल जा सके। तो यहाँ पे और भी ग्रामीण है, उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग चाचा है। चाचा, क्या ये कल जो घटना घटा, जो बच्चे मार खाए स्कूल के बच्चे, ये क्या सही था? ये निंदनीय है, ठीक नहीं क्या है। होना चाहिए वैसे लोगों के ऊपर? गार्जियन लोग को सोचना चाहिए कि बच्चा सुबह खा के चलता है, 3 बजे तक भूखे रहता है, उसको मारोगे तो अच्छा बात नहीं है। कोई अगर शिकायत है तो कंप्लेन देना चाहिए, थाना को दे, स्कूल में दे या उसके गार्जियन को दे। इसमें स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनका क्या दायित्व बनता है? उनका दायित्व है कि ये थाना में इंफॉर्मेशन दे और उचित कार्रवाई करने के लिए कहे। नहीं हुआ अभी तक तो क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? नहीं हुआ ये माने इसका मतलब है कि जो प्रधानाध्यापक है वो उसका माने मनसा ठीक नहीं है बच्चों के प्रति, या डरते हैं किसी कारण से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब भी हमारे इस न्यूज़ को देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरा नाम अरुण कुमार प्रजापति है, मेरा बेटा आलोक कुमार प्रजापति है जो रामई सांडी उच्च विद्यालय में पढ़ता है 9 में। और कल पता नहीं चला, कुछ मामला लड़ाई का कारण हमको शाम में 5 बजे पता चला कि ऐसा ऐसा मामला है, बच्चा को खोजने निकले तो पता चला कि थाना में है। थाना गए तो वहाँ पता चला कि नहीं, अपना अपना घर भेज दिए, घर में पता किए घर में नहीं है। लास्ट में पता चला 2-4 दोस्त से कि किसी लड़का को लगा हुआ है, वो सदर में है। हम गए सदर, पता चला कि सदर में देखे लड़का, फ़ोन किए अपना दोस्त को कि मेरा लड़का है आलोक कुमार प्रजापति वहाँ, तो बोला हम बता रहे हैं, सदर वाला लड़का बताया कि हाँ है आपका लड़का। फिर हम बाद में गए देखे तो कमर में थोड़ा सा चोट लगा था और हाथ में, उसके बाद हम उसको बोले कि चलो, तो बोला कि नहीं ट्रीटमेंट व्रीटमेंट करा के हम यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद हम बोले कि, तो बोला कि हम लोग आपको गार्जियन को सौंप देंगे। मामला था यहाँ का, लड़का लोग से लड़ाई किया था आपस में, माइल का ही लड़का लोग बता रहा है, उसमें लेडीज उडीज सब आ गई थी माइल का, जो बच्चा लोग के साथ लड़ाई मारपीट करने का तैयार हो गया। लड़का लोग को हम नाम तो नहीं लेकिन इतना जानते कि वो बच्चा लोग मेरा बता रहा कि माइल का ही था, और इसके बीच में लेडीज लोग भी थी और उन लोग लड़ाई लाठी डंडा जो भी था उन लोग मारपीट कर दिया। इसके कारण बाद में पता चला तो हम लोग रात में बोले कि ठीक है सुबह हम बड़ा भाई से बात करते। फिर थाना सुबह आया, बड़ा भाई से बात हुआ तो हम प्रशासन को बोलबो किए कि सर हम लोग को पता नहीं चला, बोला बाबू ऐसा ऐसा मामला था इसलिए हम लोग पता नहीं बताया नहीं। लास्ट में हम लोग सदर भेज दिए जिसको जिसको चोट लगा था। फिर बच्चा लोग को आपको मिल गया, हम बोले ठीक है मिल गया, लेकिन हम सुबह आते हैं स्कूल का गार्जियन से पूछते। स्कूल में तो अभी बोला कि इधर कुछ नहीं होगा, हम लोग है और देखते हैं जो होगा फिर बाद में आपको बताते हैं। हम बोले कि कम से कम हम लोग को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए कि आपका बच्चा है या कि गार्जियन को बुलाना चाहिए, इतना इतना बच्चा है, तो बोला ठीक है। उसके बाद अभी तो आइए रहे।